जय बिहार, जय विद्यार्थी। और पढ़ाने के पहले थोड़ा सा, क्लास लेट नहीं होता है, 2 बजे क्लास नहीं है, 2:15 बजे क्लास है, ठीक है। और पहले उसको डालने का मतलब ये नहीं कि क्लास उसका स्टार्टिंग होता है, वेटिंग किया जाता है, वाचिंग किया जाता है कि हाँ बच्चे जुड़ जाए उसमें, आज क्या पढ़ाना है इसके बारे में, ठीक है। और बच्चे फिर मैं बोल रहा हूँ भाई वाला है, और आप लोग आपस में बंद के लिए जो बात कर रहे हैं मेरी बात को फॉलो करें, मेरी बात को फॉलो करें, मीना पासवान। एग्जाम का दिन लेट है तो एग्जाम के दिन पढ़ो तुम अपने घर पर, तुम यूट्यूब से नहीं पर कुछ कर रहे हो, यूट्यूब से हेल्प कर रहे हैं, अपना क्लास करो बढ़िया से, ठीक है। विनय तुमको बोल रहे हैं जी, विनय जो भी हो, चलो तुमको हम ब्लॉक ही कर रहे हैं मुझे। चलो सबसे पहला चीज, मैसेज करें तो कम से कम मैसेज संभाल कर करें, प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि क्लास है और क्लास में एक मर्यादा होता है, आपको मन करे मैं फिर बोल रहा हूं आए लाइव आए, नहीं मन करे छोड़ दें, बस यही कहना चाहते हैं। और YouTube से हम नहीं जीते हैं, याद रखना, YouTube एक आप लोगों के लिए मैं शुरू किया हूँ, मैं क्लास जीतता रहता हूँ ऑफलाइन से, ऑनलाइन तो मैंने शौक से शुरू किया था, और ये कोई आपका इतने ही है कि हाँ मैं 2:15 से लाइव आता हूँ, ठीक है। और जो भी इसमें आलतू फालतू मैसेज करेंगे मैं उसको ब्लॉक करूँगा, मन है तो आ रहा है तो आउट हो गया यहाँ से, मैं फिर बोल रहा हूँ मन है तो आओ नहीं तो आउट हो जाओ, रिक्वेस्ट करते हैं आउट हो जाओ, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, आज का जो क्लास है ऐसे क्लास है, और तो बताइए कितना मैसेज आप लोग करते हैं, तबीयत ठीक है, तबीयत में कोई कमी नहीं है, ठीक है, अच्छा है, आप लोग का सहयोग है। रोहित जायसवाल प्रीपोजिशन का पीडीएफ मैं डाल दूंगा नीचे पर, पर जो पढ़ा रहे हैं उसको देखिए, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको देखें, चले लाइव आ जाए। और पढ़ाने के पहले थोड़ा समझ रहे, ये पहला कोरोना, कोरोना के बारे में आप लोग बहुत बोले थे कि हाँ ऐसे कर दीजिए, ऐसे के बारे में बता दीजिए, पहले हम उसी को शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं एक बच्चा, छोटा बच्चा आपको समझा रहा है कि अंकल मास्क लगावे, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, और उस बच्चे के बाप है जो आप पहचानते होंगे शायद इनको, चले पहचानते हैं आप लोग इसको, चलो थोड़ा सा इनके बारे में बता देते हैं। बच्चे बहुत सारा कोरोना बोले हाथ मिलाना छोड़ो, कोरोना बोले हाथ मिलाना छोड़ो, दूर से करो हाय हाय, वरना जिंदगी से प्यारे तुम कर दूंगा बाय बाय, कर दूंगा बाय बाय। बच्चे गौर करो, और शुरू करने के पहले थोड़ा सा एक और मैसेज है लड़कियों के लिए, थोड़ा सा इसको गलत नहीं लेना, फिर हाथ उनके रिक्वेस्ट करते हैं इसको गलत नहीं लेना, दिल पर जोक लेना। कोरोना जी ने छीन लिया लड़कियों का नूर, कोरोना जी ने छीन लिया लड़कियों का नूर, मेकअप को छोड़ मुंह ढकने को मजबूर। चलो तो अब थोड़ा सा इसको समझना आपको, मैं शुरू कर रहा हूं, लेकिन पहले हम ऐसे के बारे में थोड़ा बता देते हैं, ऐसे क्या होता है बच्चे गौर करेंगे, बच्चे पहले हम उसी से कोरोना से ही शुरू करेंगे। देखिए ऐसे जो है थोड़ा समझ लेना, ऐसे का अर्थ होता है निबंध, ऐसे का अर्थ होता है निबंध। एग्जाम में 8 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, बच्चे ध्यान देंगे, एग्जाम में 8 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, और ऐसे 2 शब्द से बनता है, एस जोर से, इससे, इससे गौर करेंगे, ऐसे ई एस जोर से, इस दोनों लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, इसका सही अर्थ होता है एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर, तत्व की संरचना, हम जो बता रहे हैं समझना, तत्व की संरचना, तत्व की संरचना। और इसका डिफिनेशन क्या होता है, इट इज ए पार्ट ऑफ ग्रामर इन विच वी
से समथिंग, दो बार रिव्यू हो गया, मीन से समथिंग अबाउट एनी टॉपिक विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रक्चर। हम लोग किसी के स्ट्रक्चर की सहायता से, स्ट्रक्चर की सहायता से कोई भी टॉपिक पर एक से ज्यादा लाइन लिख सकते हैं, उसे हम लोग ऐसे निबंध कहते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब संरचना, संरचना की सहायता से एक से ज्यादा वाक्य लिख ले, उस टॉपिक का नाम है निबंध। निबंध, बंध मतलब बांधना और नि मतलब शब्दों को बांधना, शब्दों को बांधना। बहुत सारा मैंने इसमें ऐसे दे दिया है, गेस किया है, बच्चे गौर करेंगे, बहुत सारा ऐसे है। लेकिन हम पहले कोरोना के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत लोग यूट्यूब पर कोरोना पढ़ाया है और मैं भी पढ़ा रहा हूँ, बच्चे मिला है कोरोना पर, बहुत सारे लोग यूट्यूब पढ़ा दिया है, मैंने देखा भी है और आप लोग भी देखे होंगे। और मैं पढ़ा रहा हूँ लैंग्वेज मिलाना, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, आपकी भाषा में इसको देखें, बच्चे जुड़ जाए। चले आइए कोरोना के बारे में, चले बहुत बच्चे ने डिमांड किया था कोरोना 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 को पढ़ाए, बहुत सिंपल लैंग्वेज दे रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज भी है, ध्यान देना मुझे। कोरोना वायरस, इसको कोविड 19 बोलते हैं, कोरोना वायरस का मतलब कोविड 19, कोरोना वायरस का मतलब कोविड 19, बच्चे ध्यान देंगे, एकदम सिंपल लैंग्वेज। द फुल फॉर्म ऑफ कोविड इज को, गौर करेंगे, द फुल फॉर्म ऑफ कोविड इज को मीन्स कोरोना, गौर करेंगे, याद रखना इसको, समझ लेना। द फुल फॉर्म ऑफ कोविड इज को मीन्स कोरोना, VI का मतलब वायरस, जो बता रहे हैं समझ रहा, कोरोना कोविड इसको बोलते हैं, को मतलब होता है कोरोना, VI का मतलब वायरस, एंड D का मतलब होता है डिजीज, बीमारी, एकदम बढ़िया है समझो सर। को मीन्स कोरोना, VI मीन्स वायरस, एंड D मीन्स डिजीज, बीमारी। द न्यू नेम ऑफ दिस डिजीज इज कोरोना वायरस डिजीज, इस बीमारी का नाम है कोरोना वायरस डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज। इट इज ए ह्यूज प्रॉब्लम फॉर द वर्ल्ड नाउएडेज, आजकल ये बहुत ही विशाल समस्या है, विकट समस्या है पूरे दुनिया के लिए, पूरे दुनिया के लिए विकट समस्या है। इट इज डेंजरस फॉर ह्यूमन, मानव जाति के लिए बहुत ही डेंजरस, खतरनाक है। इट इफेक्ट्स डायरेक्टली ह्यूमन ब्रीथिंग, ये श्वास नली को जाम कर देता है, श्वास नली को प्रभावित करती है, श्वास लेते हैं उसको प्रभावित करती है। आपका भाषा एकदम सिंपल लैंग्वेज दिए हैं, द होल वर्ल्ड इज बैडली अफेक्टेड बाय दिस डिजीज, पूरा संसार बहुत ही बुरी तरह प्रभावित है, पूरा संसार बुरी तरह प्रभावित है इस बीमारी के कारण, इस बीमारी से। इट केम फ्रॉम द लेबोरेटरी ऑफ वुहान सिटी चाइना, यह कहां से आया, यह एक चाइना का एक शहर है जिसका नाम है वुहान, वुहान शहर से यह एक लेबोरेटरी प्रयोगशाला से आया, और मान्यता है कि चमगादड़ से आया है, किसी वैज्ञानिक को चमगादड़ खाया था या काट लिया था उसी से हुआ था। देखिए तो आपकी भाषा, मैंने यूट्यूब पर सर्च भी कर लेना, और लोग बहुत को पढ़ाए होंगे इसमें। द मेन सिम्टम, लक्षण, सिम्टम मतलब लक्षण ऑफ कोरोना इज फीवर, इसमें क्या होता है, इस कोरोना का लक्षण पहला बुखार आता है, कोल्ड खांसी होता है, टेस्ट प्लेस स्वाद खत्म हो जाता है, गंध खत्म हो जाता है, सूंघने की शक्ति स्वाद खत्म हो जाता है, टायर्डनेस थकावट महसूस करने लगते हैं, थके थके लगते हैं, पूरा देह टूटता है, हेडेक सिर में दर्द हो जाता है, पर हमको जो दर्द हुआ था वो दर्द नहीं, पूरा दर्द होता है हमको, हाफ दर्द हुआ है, हुआ था ये पूरा दर्द होता है, पूरा सिर फटता है। देखो गौर समझना, मसल पेन, जोर जोर में दर्द होता है, जोर जोर में पूरा दर्द होता है, एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टी, और सांस लेने में दिक्कत होता है, श्वास नली जाम होने लगता है, श्वास नली जाम होने लगता है, बच्चे गौर करेंगे, श्वास नली जाम होने लगता है। इट स्प्रेड्स, ये फैला देता है वेरी इजली, ये बहुत जल्दी फैलता है, एंड देयर इज नो मेडिसिन इज अवेलेबल फॉर कोरोना नाउएडेज, आजकल कोरोना कोई मेडिसिन नहीं है, कोई भी वैज्ञानिक नहीं कर सकता है कि दवा खा लो और तुमको ठीक हो जाए, कोई नहीं कर सकता है। सो इट इज फेटल, घातक डिजीज फॉर अस, हम यह हम सब के लिए बहुत ही घातक बीमारी है, एंड द होल वर्ल्ड, पूरे संसार के लिए घातक बीमारी है, पूरे संसार के लिए घातक बीमारी है।
सो वी शुड ट्राई, हमें प्रयास करनी चाहिए टू नॉट टच, नहीं किसी को स्पर्श करें, विथ एनी स्ट्रेंजर, किसी अजनबी को हाथ नहीं मिलाए, स्पर्श नहीं करे। वी शुड ट्राई टू सैनिटाइज हैंड, अपने हाथ को सैनिटाइज करे। अब जाते होंगे इतना बार प्रचार करके उब गए होंगे। एंड यूज मास्क, और मास्क पहने, इट कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोविड-19, यह सुरक्षित करेगी, यह करती है कोविड-19 से। अगर ये सावधानी हम लोग दूर करेंगे, अगर यूज करेंगे तो 19 से दूर हो जाएंगे। वी शुड नॉट लूज इम्यूनिटी, हमें अपने रोग इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें नहीं लूज करनी चाहिए, नहीं खोनी चाहिए रोग प्रतिरोधक शक्ति को। वी शुड ट्राई टू कीप डिस्टेंस अबाउट 5 to 6 feet, हमें कम से कम 5 से 6 feet की दूरी बना के रहनी चाहिए। 2 गज की दूरी और कोरोना के लिए है मजबूरी, और हम सब के लिए है जरूरी। चलो नाउ इट इज आजकल इंजेक्शन, देखिए है इंजेक्शन है, इज कमिंग सून फॉर ऑल, हम बहुत शीघ्र आ रही है सभी के लिए, अभी पूरा लोग के लिए नहीं आई है, डॉक्टर लोग के लिए है, कोई लोग के लिए आया है। कोरोना इज कमिंग सून फॉर ऑल, सभी के लिए जरूरी है, यह शीघ्र आ रही है सभी के लिए। सो इट इज ए गैला डे फॉर ऑल, यह गैला डे का खुशी का दिन, ये खुशी का दिन है सभी के लिए कि अब इंजेक्शन भी आ रहा है, और जब इंजेक्शन आ जाएगा तो कोरोना सर्दी खांसी बुखार के अलावा कुछ नहीं रहेगा बच्चे, ठीक है, ठीक है, मैं देख रहा हूं बच्चे। अच्छा लगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, इसे लिखने का ट्रिक, ऐसे का ट्रिक कुछ नहीं था बाबू, ऐसे का ट्रिक कुछ नहीं होता है, ऐसे का लैंग्वेज ये सिंपल है। चलो हम सब करते हैं, निश्चित रहे हम बताने जा रहे हैं इसमें किसको दिक्कत है। चलो बहुत सिंपल लैंग्वेज दिए हैं, आप इसको यूट्यूब पर देख भी लेना, बहुत लोग यूट्यूब पर आया होगा, हम बहुत सिंपल लैंग्वेज दिए हैं। अब चलो थोड़ा सा हम और भी ऐसे बहुत सारे ऐसे सजेस्ट कर दिए हैं, 5-7 ऐसे है कि 5-7 से कम ऐसे में ऐसे काम नहीं चलेगा। 5 को पूछेगा साइंस कॉमर्स को, 5 को पूछेगा आर्ट्स को, 10 को, लेकिन मैं देखिए ए जर्नी बाई ट्रेन, बच्चे गौर करें, जर्नी बाई ट्रेन, एक ट्रेन की यात्रा, ये सारा दूसरा एग्जाम में बच्चे गौर करो, जुड़ जाओ इसमें, ऐसे आज पढ़ लोगे कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे पढ़ लोगे कंप्लीट हो जाएगा। चलो देखो ये हमारे चंपारण का बापूधाम स्टेशन है, हमारे चंपारण का बापूधाम स्टेशन है, यहीं पर गांधी जी पहला बार आए थे और एक आंदोलन चलाया था, आप लोग मालूम होगा पूरे बिहार के बच्चे सुने रहे, गांधी जी यहीं पर आए थे और यहीं से आंदोलन की शुरुआत किए थे, इसलिए चंपारण का नाम ज्यादा लोग जानता है। चलो जर्नी बाई ट्रेन इज प्लीजेंट फॉर ऑल, आनंददायक है सभी के लिए ट्रेन की यात्रा, एग्जाम में ज्यादा पूछता है। इट इज ए चीप, सस्ता एंड चीप मीडियम ऑफ जर्नी, यात्रा का सस्ता और सुगम माध्यम है ट्रेन की यात्रा। आवर जर्नी इज सेफ, हमारी यात्रा सुरक्षित होती है बाई ट्रेन, ट्रेन द्वारा। वी डू नॉट फील टायर्ड, थकावट महसूस नहीं करते हैं आफ्टर जर्नी बाई ट्रेन, ट्रेन की यात्रा से। In this essay, इस essay में I am telling about my first long journey by train, प्रथम लंबी यात्रा ट्रेन के द्वारा बताने जा रहा हूँ। I was going to Delhi, मैं दिल्ली जा रहा था by train, ट्रेन से। I was very happy, मैं बहुत खुश था। इधर देखो तुम्हारे भाषण में लिखवा रहा है natural language। I had reserved a lower berth, मैं नीचे वाला सीट को रिजर्व किया था। A पंजाबी family was in front of my berth, एक पंजाबी परिवार मेरे बर्थ के सामने था। BERTH मतलब ट्रेन का सीट होता है, बच्चे गौर करेंगे। They were talking loudly, वे लोग जोर जोर से बातचीत कर रहे थे। So I was very disturbed, मैं बहुत परेशान था। Due to पंजाबी फैमिली, पंजाबी परिवार के कारण। I could not sleep, मैं सो नहीं सका whole night, पूरी रात्रि। Due to पंजाबी फैमिली, पंजाबी परिवार के कारण। Suddenly I saw a pickpocket, जेब कतरा, पॉकेटमार, मैंने पॉकेटमार को देख लिया। He was trying to cut the pocket of a person, एक व्यक्ति के पॉकेट को काट रहा था। I caught the pickpocket, मैंने पॉकेटमार को पकड़ लिया। And tried, प्रयास किया, to beat black and blue, कचूमर निकालने का प्रयास किया।
द पुलिस अरेस्टेड द पिक पॉकेट, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। इन दिस वे इस प्रकार माई जर्नी फिनिश, मेरी यात्रा खत्म हो गई। एंड द ट्रेन रीच्ड एट न्यू दिल्ली प्लेटफॉर्म, और ट्रेन न्यू दिल्ली प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। इट वॉज माई फर्स्ट मेमोरेबल जर्नी बाई ट्रेन, ये मेरी प्रथम स्मरणीय यात्रा थी ट्रेन द्वारा। दिस इज ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ दिस एसे, इसका संक्षेप कहानी है। और देखो नेक्स्ट, ज्यादा पूछता है, द बुक आई लाइक मोस्ट, मेरे प्रिय पुस्तक, मेरे प्रिय पुस्तक, मेरे प्रिय पुस्तक, एकदम सिंपल लैंग्वेज में है, बोलिए सिंपल लैंग्वेज में, एकदम आपका भाषा है। मेरे प्रिय पुस्तक, सब कोई बहुत कहानी जानता होगा लेकिन रामायण के बारे में सब कोई जानता है, इसलिए रामायण के बारे में सुनो, झटपट में सुन लेना रामायण के बारे में। आई लाइक द रामायण, मैं रामायण को पसंद करता हूं, बिकॉज इट इज एन एपिक ग्रंथ ऑफ द हिंदू, हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है। एंड इट इज ए पॉपुलर, लोकप्रिय एंड रिलीजियस धार्मिक एपिक ऑफ द हिंदू, हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है। द रामायण वॉज रिटन बाई वाल्मीकि, रामायण को वाल्मीकि ने लिखा। देयर वॉज ए ग्रेट किंग, एक महान राजा था दशरथ, ही हैड फोर सन, चार बच्चे थे उनको। एंड राम वॉज द एल्डेस्ट सन, राम सबसे बड़ा बेटा था। आफ्टर वार्ड्स, इसके बाद ही मैरिड विद सीता, उसने सीता से शादी कर लिया डायरेक्ट। द किंग वांटेड, राजा चाहता था टू सीट ऑन द थ्रोन ऑफ राम, राम को गद्दी पर बैठाना चाहता था डायरेक्ट। बट केकई डिड नॉट लाइक राम, राम को पसंद करती नहीं थी। शी डिड नॉट वांट टू सीट ऑन द थ्रोन ऑफ राम, थ्रोन मतलब गद्दी होता है, राम को गद्दी पर बैठाना नहीं चाहती थी। सो राम वेंट टू एग्जाइल, राम वनवास चले गए डायरेक्ट विद सीता, सीता के साथ। और पीछे से डोलची लेके लक्ष्मण जी गए थे, डोलची लेके और स्टोव लेके लक्ष्मण जी गए थे। चलो, इन द फॉरेस्ट, जंगल में रावण टुक अवे सीता, रावण ने सीता का हरण कर लिया डायरेक्ट। राम सर्च सीता एवरीवेयर, राम ने सीता को सभी जगह तलाश किया, बट सीता डिड नॉट फाइंड, सीता नहीं मिली। एट लास्ट, अंत में हनुमान फाउंड सीता इन लंका, हनुमान ने सीता को लंका में पार लूट लिया डायरेक्ट। एट रिजल्ट, परिणाम स्वरूप राम किल्ड रावणा विद द हेल्प ऑफ हनुमान, हनुमान की सहायता से रावण को डायरेक्ट टपका दिया। देखो सब डायरेक्ट कहानी सुनो। आफ्टर वार्ड्स, इसके बाद दे केम बैक टू अयोध्या, वे लोग वापस डायरेक्ट अयोध्या लौट गए। इन अयोध्या, अयोध्या में द पीपुल ऑलवेज टॉक अबाउट द कैरेक्टर ऑफ सीता, वहां के लोग सीता के चरित्र के बारे में बातचीत करते थे। सो सीता वेंट टू एग्जाइल, सीता वनवास चली गई डायरेक्ट। इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इसके बाद वाला लाइन डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा। इसके बाद सीता इन द फॉरेस्ट, जंगल में सीता बॉर्न टू सन्स लव एंड कुश, सीता ने दो बच्चों को जन्म दिया डायरेक्ट, नहीं इनडायरेक्ट। शी केम बैक टू अयोध्या, फिर वापस डायरेक्ट अयोध्या लौट गई। बट द र्यूमर, अफवाह अबाउट द कैरेक्टर ऑफ सीता, सीता के चरित्र के बारे में जो अफवाह था, डिड नॉट स्टॉप, नहीं रुका। सो सीता कॉल्ड हर मदर, सीता ने पृथ्वी माँ को पुकारा डायरेक्ट। And the earth split into two parts, पृथ्वी दो भागों में फट गई डायरेक्ट। And सीता jumped into it, सीता उसमें कूद गई डायरेक्ट। And it was a great shock for Ram, राम के लिए गहरा झटका था। And अयोध्या, अयोध्या के लिए डायरेक्ट झटका था। This is a brief of the Ramayana, यह रामायण का डायरेक्ट कहानी है बच्चे। चलो डायरेक्ट समझ गया, कौन भी डायरेक्ट नहीं समझा है। चलो चलो, एक बार में क्या करें, इतना समय में सबको ऐसे हटाना पड़ता है, और एकदम आसान है, पढ़ लोगे हो जाएगा। देखो ऐसे भारी नहीं, लैंग्वेज होता है एकदम सिंपल चीज होता है, अपने भाषा में दोगे तुमको नंबर अच्छा आएगा, क्या रखना कभी भी आएगा। चलो अब है द लीडर ऑफ आई लाइक मोस्ट, आपको गेस भी क्या हुआ है इसमें, बोल बोल मेरे प्रिय नेता। I like M.K. Gandhi, मैं मोहनदास करमचंद गांधी को पसंद करता हूँ, बिकॉज ही वॉज ए ग्रेट सोल, एक महान आत्मा थे, एंड इसीलिए परमात्मा के पास पहुँच गए। एंड ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, भारत के नेता थे। ही वॉज ए प्रिस्ट ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा के पुजारी थे, इसीलिए जमाने में लाठी लेकर चलते थे। चलो, ही ऑलवेज वॉक्ड ऑन द पाथ ऑफ ऑनेस्टी, हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चला करते थे। एंड नेवर वॉक्ड ऑन द पाथ ऑफ बेयर्स, बेईमानी के रास्ते पर कभी नहीं चलते थे। पोरबंदर, उनका जन्म पोरबंदर में हुआ, इसीलिए तीन गो बंदर लेकर चलते थे बच्चे। चलो, हिज फादर एंड मदर नेम वाज, उनके पिताजी का नाम और माँ का नाम करमचंद और पुतली बाई था,
और मौसी का नाम क्या था? चलो कुछ नहीं था। एट फर्स्ट शुरुआत में ही वाज लॉयर, वकील बन गए। शुरुआत में वकील थे। ही वेंट टू साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका चले गए ड्यूरिंग ए केस, एक मुकदमे के दौरान। इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में द व्हाइट गोरे एब्जॉर्ब द ब्लैक इन मेनी वेज, अनेक प्रकार से शोषण करते थे। गोरों ने कालों का शोषण किया था। सो गांधी स्टार्टेड ए मूवमेंट, गांधी ने एक आंदोलन का शुरुआत किया अगेंस्ट द व्हाइट गोरों के विरुद्ध। Afterwards, इसके बाद, he came back to India, वापस इंडिया लौट गए। In India, भारत में, the British absorbed, शोषण करते थे the Indian भारतीयों का, in many ways, अनेक प्रकार से। So गांधी started, गांधी ने शुरुआत किया non-cooperation movement, एक आंदोलन का शुरुआत किया against the British, अंग्रेजों के विरुद्ध। At result, परिणाम स्वरूप, the British फ्री इंडिया, अंग्रेजों ने भारत को आजाद कर दिया। और 15 अगस्त 1947 में वन डे दिन व्हेन ही वाज गोइंग टू प्रे, प्रार्थना करने जा रहे थे, देन एक क्रूर किलर, एक निर्दयी हत्यारा नाथुराम गोडसे ने सुखित गांधी को टपका डाला और गांधी जी बोले मार डाला। चलो गांधी फेल डाउन, गांधी गिर पड़े एंड सेड बोले हे राम। In this way, इस प्रकार एक ग्रेट सोल, एक महान आत्मा डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड, इस धरती को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। इट वाज अ ग्रेट शॉक, गहरा झटका था फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड, दुनिया और संसार के लिए, भारत और संसार के लिए गहरा झटका था। चलो जयराम, अब मेन है साइंस ब्लेस और कर्स, विज्ञान वरदान है या श्राप है, विज्ञान वरदान है या श्राप है। बच्चे जल्दी चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। We know that, जानते हैं कि man was just like an ape, मनुष्य लंगूर के समान था, केवल अंगूर खाता था। In ancient time, प्राचीन समय में, man wandered, मनुष्य भटकता था, here and there, इधर उधर, in search of food, भोजन की तलाश में। Afterwards, इसके बाद, man discovered fire, मनुष्य ने खोज किया, आग का खोज किया। With the help of fire, आग की सहायता से, man ate wild meat, मनुष्य उबला हुआ मीट खाने लगा। And saved, बचाने लगा, on life from wild animal, जंगली जानवरों से अपने जीवन को बचाने लगा। In this way, इस प्रकार man invented more and more comfortable things, मनुष्य ने अनेक आरामदायक वस्तुओं का आविष्कार किया। And now, आजकल, nowadays, man is the master of the world, मनुष्य संसार का मालिक है, due to, बताओ किस कारण से? Due to science, विज्ञान के चलते मनुष्य संसार का मालिक है। Man can do anything, मनुष्य कुछ भी कर सकता है, with the help of science, विज्ञान की सहायता से। It is sometimes blessed and sometimes cursed, कभी-कभी वरदान है और कभी-कभी श्राप है। Jail Bird invented the TV, Jail Bird ने टीवी का आविष्कार किया था। We can watch, देख सकते हैं, lot of news, बहुत सारा समाचार, which is far away from our views, जो हमारी नजरों से दूर होता है, इसलिए इसका नाम है दूरदर्शन, दूर की चीज को दर्शन करना। इट इज ए चीप, सस्ता एंड चीप, प्रमुख मीडियम ऑफ इंटरटेनमेंट, यात्रा का सस्ता, सॉरी देखने का सस्ता और सुगम माध्यम है। इट इज द बेस्ट फ्रेंड फॉर ए लोन पर्सन, अकेला, जो भी व्यक्ति अकेला होता है उसके लिए सबसे अच्छा दोस्त कौन है? टीवी। वी कैन वॉच लॉट ऑफ फिल्म, बहुत सारा फिल्म देखते हैं, विच इज फार अवे, बहुत दूर होता है फ्रॉम आवर व्यू, नजरों से। सो वी कैन सेव मनी, पैसा बचा सकते हैं एंड टाइम, समय बचाते हैं हॉल में बिना गए हुए, विद द हेल्प ऑफ टीवी, टीवी की सहायता से। लेकिन आजकल मोबाइल आ गया, टीवी का जमाना भी कम हो रहा है। बट नाउ इट इज, आजकल आवर सोसाइटी इज बिकमिंग बैड, हमारा समाज करप्ट भ्रष्ट बनता जा रहा है ड्यू टू टीवी, टीवी के चलते। लॉट ऑफ न्यूडिटी प्रोग्राम्स, बहुत सारा गंदा प्रोग्राम, वेब सीरीज का नाम सुना होगा, लॉट ऑफ न्यूडिटी प्रोग्राम्स आर कमिंग टीवी पे, मोबाइल पे आ रही है। सो आवर चिल्ड्रन आर बिकमिंग बैड, हमारे बच्चे और बूढ़े भी खराब होते जा रहे हैं। सो इट इज समटाइम्स ब्लेस एंड समटाइम्स कर्स फॉर आवर सोसाइटी, समाज के लिए वरदान भी और श्राप भी। अब बताओ मोबाइल तुम लोग के लिए वरदान है कि श्राप है? बच्चे आप बताओ, ये सब गैस पढ़ा रहे हैं बाबू, सब गैस पढ़ा रहे हैं, ये सब गैस पढ़ा रहे हैं, ये टोटल गैस है। यो काम करो ना, कोई भी गेस क्या होगा देखना, 5 को से कम 6 को से कोई नहीं क्या होगा, चौथा तो पढ़ाई रहा है अभी तुमको, 5 कम से कम 5 6 चाहिए बच्चे।
चलो इंडिया इज इन माई ड्रीम्स, मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत कैसा होगा? वी नो दैट, जानते हैं कि इंडिया वॉज कॉल्ड ए गोल्डन बर्ड, भारत को सोने की चिड़िया कहते थे इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में। इट वॉज ए पावरफुल कंट्री, एक शक्तिशाली देश था। ऑल कंट्रीज गेव रिस्पेक्ट, सभी देश सम्मान देते थे। इट्स ग्लोरी वॉज वेरी हाई, इसका गौरव बहुत ऊंचा था। इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, भारतीय सत्ता और संस्कृति वॉज एग्जाम्पल फॉर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया के लिए उदाहरण था। नो वन कुड कंपेयर टू कंट्री ऑफ गॉड एंड गॉडेस, कोई भारतीय देवी देवताओं के देश को कोई तुलना कर नहीं सकता था। बट वेन द ब्रिटिश केम इन इंडिया, लेकिन जब अंग्रेज यहाँ पे आया, देन इंडिया भी केम से ले, भारत गुलाम बन गया। इट्स ग्लोरी लॉस्ट, इसका गौरव खो गया। इट्स गोल्डन बर्ड, इसकी सोने की चिड़िया, चेन डाउन, जंजीर में जकड़ गई। ऑन दैट टाइम, उस समय आवर लीडर्स, हमारे नेताओं ने ट्राई टू फ्री इंडिया, भारत को आजाद कराने का प्रयास किया। एंड एट रिजल्ट, परिणाम स्वरूप इंडिया बिकेम फ्री। और 15 अगस्त 1947, भारत 1947 में आजाद हो गया। नाउ इंडिया इज फ्री, अब भारत आजाद है। बट वी आर नॉट फ्री, हम सब आजाद नहीं है। करप्शन, भ्रष्टाचार, कास्टिज जातीयता, डिजोनेस्टी, बेईमानी, वायलेंस, हिंसा, कास्टिज जातीयता इज अवेलेबल इन आवर कंट्री, हमारे देश में कास्टिज जो हो गया है। ड्यू टू दीज रीजंस, इन कारणों से आवर कंट्री इज नॉट ए डेवलप्ड कंट्री, इन कारणों से हमारा देश विकसित देश नहीं है। नाउ ए डिजास्टर, वी कांट डू एनीथिंग, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते विदाउट ब्राइन, बिना घुस के। व्हाट इज घुस, चुपचाप लूस और पॉकेट में ठूस, इज कॉल्ड घुस। मोस्ट ऑफ लीडर्स, अधिकांश नेता आज डिजोनेस्ट, बेईमान है। दे ट्राई टू अर्न लॉट ऑफ मनी, चाहते हैं, प्रयास करते हैं बहुत सारा पैसा कमाए इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, कम से कम समय में, विद द हेल्प ऑफ डिजोनेस्ट, बेईमानी से। आई वॉन्ट टू डू मेनी वर्क फॉर इंडिया, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ इंडिया के लिए, एंड द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के लिए। आई वॉन्ट टू री स्टोर, संग्रह करना चाहता हूँ द ग्लोरी ऑफ इंडिया, भारत के गौरव को। आई वॉन्ट दैट इंडिया में रीच ऑन द पीक ऑफ सक्सेस, भारत सफलता की चोटी पहुंच जाए। इंडिया में बी हैप्पी एंड डेवलप कंट्री, भारत खुशहाल और विकसित देश बन जाए, जस्ट लाइक अमेरिका, अमेरिका के समान। दिस इज माई ड्रीम फॉर इंडिया। एक को बता देते हैं, इसको बता देते हैं, कौन कौन देखना है, अपनी चित्र है, हम एक को बता देते हैं, उसको बता देते हैं, गेस कर लेंगे। अभी आप मेरे साथ रहें, हम इसको पढ़ाने के बाद एक गेस कर देंगे, नीचे तो एक गेस करेंगे। द गेम यू लाइक मोस्ट, मेरा प्रिय खेल, आई लाइक क्रिकेट, मैं क्रिकेट को पसंद करता हूँ, बिकॉज इट इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया, भारत में लोकप्रिय है, एंड एब्रॉड, भारत के बाहर भी लोकप्रिय है। क्रिकेट इज स्पोर्ट ऑफ हार्ट, दिल की धड़कन है, फॉर इंडिया, भारत के लिए, एंड द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के लिए दिल की धड़कन है। क्रिकेट इज पार्ट एंड पार्सल फॉर आवर कंट्री, हमारे देश का एक अभिन्न अंग है, पार्ट एंड पार्सल तो अभिन्न अंग होता है। All sports, सभी खेल are less important in comparison of cricket. Cricket के सामने सभी खेल कम महत्वपूर्ण है। हम लोग जानते हैं हमारे देश का राष्ट्रीय खेल कौन है, हॉकी है, लेकिन हॉकी इसके सामने कुछ नहीं है बचा है। It is also an instrument for the harmony of the world peace. यह खेल जो है एक प्रकार का सामंजस्य स्थापित करता है शांति के लिए पूरे दुनिया में। In India, cricket is very popular game. भारत में बहुत लोकप्रिय गेम है। हॉकी आवर नेशनल गेम, यदि हमारा हॉकी नेशनल गेम है, स्टिल क्रिकेट इज द मोस्ट फेवरेट गेम ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री, लेकिन हमारे देश में लोग के बीच क्रिकेट ही लोकप्रिय है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्रिकेट प्लेड, तीन प्रकार के क्रिकेट होता है, चौथा हो गया है वन डे, टेस्ट और T20, अब IPL भी हो गया है। इंडियन क्रिकेट टीम इज ए वेरी बैलेंस एंड स्ट्रॉन्ग टीम, भारतीय क्रिकेट टीम एक बहुत ही संतुलित और मजबूत टीम है, इन रिस्पेक्ट ऑफ बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग, सभी मामलों में। एज वेल द परफॉर्मेंस ऑफ आवर टीम इज अनडाउट, कोई भी संदेह नहीं कर सकता हमारी टीम के, कौन सी पता, कोई भी परफॉर्मेंस होता है हमारे देश में, कोई डाउट है आपको, क्योंकि हमारा देश में बहुत सारे लोग पैदा लिए, सचिन पैदा लिए, धोनी पैदा लिए, और उसका पति कौन है जी, कौन है हीरोइन, कौन हीरोइन है वो, तो याद नहीं है, आप लोग बताएं कौन हीरोइन है जिसके पति कप्तान थे सर, हमको याद नहीं है, बताओ तुम लोग,
कौन हीरोइन है? अनुष्का शर्मा, सही बोला सही बोला, अनुष्का शर्मा। चलो चलो चलो, याद भी हो गया जी। नाउ इट इज द हाई टाइम फॉर इंडिया क्रिकेट टीम टू टेक सीरियसली, यह उचित समय है भारतीय टीम को अपनी चीज पर गंभीरता से सोचने का। अब कुछ इसमें एक्स्ट्रा भी है, टेररिज्म है, वह करके देख लेना इसको, और हम भेज देते हैं पीडीएफ सबके पास, टोटल मेरे विद्यार्थी के ऐप में भी और उसमें भेज देते हैं, ऐप में भेज देते हैं। करप्शन भ्रष्टाचार भी है, चलो फ्लड भी है देखो। अब क्या तुमको याद करना है देखो, मेरे साथ लाइव में आ जाओ बच्चे, तुम लोग को ये कुछ चीज देखना है, बाकी सब सो जाना है। देखो गेस, देखो हल्ला रहा है कि हम लोग को कोरोना पे आया, बच्चे गौर करेंगे तो कोरोना भी हम देख लेना, मान लो इतना हल्ला है कोरोना कोरोना तो कोरोना भी देख लेना, पर एक और देख लेना बच्चे, गौर करना भी बताते हैं। लाइक मोस्ट देख लेना बस, बाकी कुछ नहीं देखना। एक लाइक मोस्ट वाला क्वेश्चन आएगा, लाइक मोस्ट वाला क्वेश्चन आएगा, ध्यान देना। अरे कोरोना वाला देख लेना, लाइक मोस्ट वाला क्वेश्चन आएगा, अरे कोरोना देख लेना बस, दो देख लेना बच्चे। अभी कोरोना इसलिए बोल रहे हैं कि कोरोना बहुत हल्ला है और कोरोना के चलते बहुत सारा डिस्टर्ब भी हुआ है हर चीज, एक कोरोना देख लेना और एक लाइक मोस्ट देख लेना, लाइक मोस्ट से क्वेश्चन आता है हमेशा। अब आप लोग कोई सवाल पूछे, जो पूछना होगा हम देख रहे हैं आप लोग, लाइक मोस्ट देख लो बच्चे, जो गेस कर रहे हैं ध्यान देना इस पर, लाइक मोस्ट से क्वेश्चन आएगा और आएगा, और ये कोरोना से हो सके तो आएगा। चलिए अनंत कुमार 6 बजे लाइव नहीं आ रहे हैं, 2 बजे लाइव आ रहे हैं बच्चे, 2 बजे लाइव आ रहे हैं, 2 बजे। हम आर्ट्स के लिए नहीं बोले हैं, हम सबके लिए बोले हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सबके लिए ही है, आर्ट्स के लिए भी कॉमर्स के लिए भी साइंस के लिए भी, याद रखना ये सबके लिए है, फॉर ऑल, सभी के लिए है, याद रखिएगा आप लोग। चलो चलिए एकदम इसको देख लेना सर, इसको जरूर देख लेना, एक लाइक मोस्ट और एक कोरोना। हाँ 2 बजे होता है, 6 बजे नहीं होता है। हम अभी पीडीएफ में भेज देते हैं, एसए का निश्चित रहे आप लोग, हम एसए का पीडीएफ में भेज रहे हैं। और बोलिए कुछ पूछना है, चलिए कल से ऑब्जेक्टिव होगा निश्चित रहे, और कल से ऑब्जेक्टिव होगा आप निश्चित रहे, कल से ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा निश्चित रहे। चलिए कल टोटल पोएम का ऑब्जेक्टिव कर देंगे, टोटल पोएम का एक क्लास होगा, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, एक दिन प्रोज का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर देंगे, निश्चित रहे हम करते हैं, निश्चित रहे हैं। 5 दिन हम आपके चलते प्रॉब्लम था, हम कल से कर देंगे निश्चित, खाली क्लास कर लो बच्चे, कल से रेगुलर क्लास कर लो, इसको जरूर देख लेना। एक लाइक वाला क्वेश्चन देख लेना, एक लाइक वाला एक कोरोना वाला देख लेना, बहुत सिंपल लैंग्वेज दिए हैं यार। कोरोना पर देखना आप लोग, कहीं भी YouTube पर देख लेना, कोरोना का मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज दिया है। चलो और लाइक मोस्ट का मतलब हो गया द बुक आई लाइक मोस्ट, द लीडर आई लाइक मोस्ट, द सीजन आई लाइक मोस्ट, द स्पोर्ट्स आई लाइक मोस्ट, लाइक मोस्ट क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। अब कौन मैं कर दूंगा, शॉर्ट क्वेश्चन कर दिया होगा, कल से पहले ऑब्जेक्टिव बता देंगे, उसके बाद जो भी होगा बता देंगे, 4 दिन में 4 चीज पढ़ा देंगे, एक दिन ऑब्जेक्टिव पोएम का, एक दिन ऑब्जेक्टिव प्रोज का, एक दिन ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन पोएम का, शॉर्ट क्वेश्चन प्रोज का, 4 दिन में 4 क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद जो बचेगा आप बोलिए, ठीक है। एक दिन कल मैं बता दूंगा पोएम का ऑब्जेक्टिव, उसके बाद प्रोज का ऑब्जेक्टिव, उसके बाद पोएम का शॉर्ट, उसके बाद पोएम का प्रोज का लॉन्ग, और बोलो क्या बोलो, अभी बोलिए रहे हैं अंसारी बाबू, बोलिए रहे हैं। 25 तारीख के बाद टेस्ट लेंगे, आज 22 तारीख है, 4 दिन में खत्म कर देंगे, 25 तारीख से टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे, 25 तारीख से टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे, 25 तारीख से टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे, निश्चित रहे आप 25 तारीख से टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे। नहीं आएगा निश्चित रहे, नहीं आएगा, उसके बाहर नहीं आएगा, लेकिन कम से कम 100 करेंगे, 100 बनवाएंगे क्वेश्चन, 100 ऑब्जेक्टिव बनवाएंगे, तब तुमको कंप्लीट होगा बच्चे, खाली देख लेना, एक बार देख लेना ऑब्जेक्टिव हो जाएगा तुम्हारा, सब को देखने में क्या दिक्कत है, हम तो यही करवा देंगे,
लेकिन हाँ क्लास तो रेगुलर कर लेना, 4-5 दिन रेगुलर क्लास कर लेना, सबको बोल देना 5 दिन रेगुलर क्लास करने के लिए बस। हाँ आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग बेटर एंड इन दिस टाइम आई फील परफेक्टली बेटर। या अरे सब समझा रहे हैं तुम, यू पहले पीडीएफ जो देखो ना, यूट्यूब का पूरा यूट्यूब दे दिए, पहले उसको वाला पढ़ो ना एक बार। चले आप लोग इसको देखें, और भी कुछ पूछना होगा। ऑब्जेक्टिव टाइम सब टाइम 2 बजे टाइम है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग शॉर्ट 2 बजे टाइम है, 2 बजे। देखिए 2 को बैच अभी नहीं चला रहे हैं कि हमको फिर उतना पीडीएफ बनाना होगा, अभी लोड उतना नहीं कर रहे हैं, बस एक बैच पढ़ा रहे हैं, आप उसी को पढ़िए, आप उसको पढ़िए ना, अभी इतना याद करने के लिए आपको दिन भर सफिशियंट है, कल हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे उसको आप देख लेना, उसको प्लीज हमको बताते हैं उसको देखिए आप, ठीक। ऑब्जेक्टिव टाइम को आप देंगे कल देंगे, 2 बजे आइएगा, 2 बजे 2 बजे 2 बजे 2 बजे 2 बजे। हाँ बाबू 95 का आप 100 लाइए, मेरी दुआ है 100 लाए। थैंक्स सर। अब ग्रामर तो क्या समझ नहीं आ रहा है आपको, बुझा दे रहे हैं चंद्र बाबू, क्या नहीं समझ में आ रहा है, ग्रामर का देखे ना। चलो हम ग्रामर को कुछ बता देंगे निश्चित रहे। चलो पहले आपको 4-5 दिन में किताब वाला निकाल लेने दो। चलो अब इसके साथ आप लोग सब कुछ कर रहे हैं लेकिन ये काम नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब करें प्लीज, क्योंकि मेरा भी ख्वाहिश है कि कम से कम 10K हो जाए, 10K हो जाए, 10K 25 तक पुरा दीजिए प्लीज, और बस एक एक अगर आप चाहें आपको सब्सक्राइब होगा तो 10K आराम से पूछ जाएगा, सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगता तो लाइक कर दें, कोरोना पर अच्छा लगा होगा लाइक करना, कोरोना पर देख लेना पूरे यूट्यूब पर पूरा बिहार लोग पढ़ाया हुआ है उसको भी मिला लीजिएगा, बस इसी के साथ जय बिहार जय विद्यार्थी।